Hey guys, welcome to Invest TV. Guys, आज हम आपको सन 2024 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं. गाइज, होता क्या है, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करें और कौन सा म्यूचुअल फंड प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा. तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. गाइज, इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के अलावा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छी डीपली नॉलेज मिलने वाली है, जिससे आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने में बहुत फायदा मिलने वाला है. तो गाइज, आज हम आपको विद प्रूफ गूगल पर ऑनलाइन कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि आप अपने लिए 90 लाख रुपए से भी ज्यादा का एक बड़ा फंड कैसे बना सकते हैं. तो चलिए गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं. लेट स्टार्ट. गाइज, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग. गाइज, हम अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? गाइज, हम अपनी इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि कुछ हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जिन्हें हम पूरा कर लें. इसके अलावा गाइज, हमारे रखे हुए पैसे हमेशा अपनी वैल्यू को लूज करते रहते हैं, क्योंकि महंगाई नाम की भी एक चीज होती है जिसको इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर भी कहा जाता है. जैसे जो चीज हमारे पिताजी या दादाजी के जमाने में हमें 100 रुपये में मिल जाया करती थी, आज वो चीज हमें 100 रुपये में नहीं मिलती है. और ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज आज हमें 1000 रुपये में मिल रही है, हो सकता है आने वाले 10 या 20 सालों में हमें वो चीज 1000 रुपये में नहीं मिल सकेगी. मतलब साफ है, महंगाई बढ़ती रहती है और पैसों की परचेजिंग पावर कम होती रहती है. जैसे कि हमारे देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर 6% के आसपास की दर से बढ़ती रहती है. तो गाइस, हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी, हमें ये देखना चाहिए कि हमें वहां से इतना रिटर्न प्रॉफिट तो मिल ही जाए कि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है यानी मुद्रास्फीति की दर, महंगाई की दर है, वो उसको बीट कर सके, उससे ज्यादा ही प्रॉफिट मिलना चाहिए. जैसे छोटा सा एग्जांपल लेकर हम समझते हैं गाइस, हम लोग अपने पैसे ज्यादातर कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं. जैसे हम ज्यादातर लोग तो अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखते हैं, जहां पर हमें 4% की दर से रिटर्न रेट मिलता है, यानी हमारा पैसा 4% की दर से बढ़ता रहता है. बट गाइस, ये काफी बेकार तरीका है पैसों को इन्वेस्ट करने का, पैसों को जमा करने का, क्योंकि हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है महंगाई की दर है, वो 6% के आसपास की दर से बढ़ती है और हमारे पैसे की वैल्यू 4% की दर से बढ़ती है. तो इस हिसाब से हमारे पैसे 2% की दर से वैल्यू लूज ही कर रहे हैं. तो कुछ खास फायदा नहीं होगा पैसे सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करके, यहाँ पर जमा करके. गाइज, इसके अलावा हमारे देश में लोग बैंक FD या पोस्ट ऑफिस FD या किसी और सरकारी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां पर हमें लगभग 8% की दर से रिटर्न रेट मिलता है. वहीं इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर, या कहें कि पैसे की परचेजिंग पावर 6% के आसपास की दर से कम होती रहती है. तो गाइस, यहां भी कुछ खास फायदा नहीं होगा, कुछ खास रिटर्न प्रॉफिट नहीं मिलेगा अपने पैसों को यहां पर इन्वेस्ट करके. फिर भी फिक्स डिपॉजिट यानी FD एक अच्छा तरीका है अपने पैसे की वैल्यू को मेंटेन करने का. इसके अलावा गाइस, हमारे देश में लोग गोल्ड, ज्वेलरी, जमीन जायदाद इत्यादि खरीद लेते हैं, बट इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है इन्वेस्ट करने के लिए, और इसमें टाइम भी काफी ज्यादा लगता है. इसके अलावा गाइस, एक और तरीका है, जो लोग आज की डेट में ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, वो शेयर मार्केट में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां पर काफी अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है. बट इसके लिए आपको इसकी डीपली नॉलेज और समय होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं. गाइस, इसी से बचने के लिए लोग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं. गाइस, म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट का ही एक रूप है, बट ये दोनों फिर भी एक दूसरे से काफी अलग हैं. जैसे जब आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने रिस्क पर अपना दिमाग लगाकर, अपना टाइम खर्च करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं. आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, बट म्यूचुअल फंड में आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं. यहाँ पर आप अपना पैसा एक फंड हाउस को देते हैं, जिसको AMC या एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है. ये एसेट मैनेजमेंट कंपनियां ही म्यूचुअल फंड स्कीम का संचालन करती हैं. यहाँ पर एक अनुभवी फंड मैनेजर नियुक्त होता है, जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से एक्सपर्ट होते हैं. ये अपनी वेल ट्रेन टीम के साथ अच्छे से रिसर्च करके फंड के पैसों को किसी एक जगह इन्वेस्ट ना करके, किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट ना करके, कई अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं. ये इसी काम के लिए डेडिकेट होते हैं, ये हमेशा बाजार पर नजर बनाए रखते हैं. सो इस तरह अगर किसी एक सेक्टर में किसी एक जगह से नुकसान भी होता है, तो दूसरी जगह से बड़ा प्रॉफिट आ जाता है और प्रॉफिट का एवरेज आउट अच्छा निकल जाता है. गाइस, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड में आपको 12-15% के रिटर्न रेट तो आसानी से देखने को मिल ही जाते हैं. वेल, आज की डेट में म्यूचुअल फंड में आपको 30% से भी ज्यादा का रिटर्न रेट देखने को मिल सकते हैं. तो गाइस, आज की डेट में म्यूचुअल फंड काफी अच्छा है इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर को बीट करने का, काफी अच्छा तरीका है पैसा बनाने का. तो गाइज, अगर आपके पास बाजार की नॉलेज और समय नहीं है और आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो गाइज, इसीलिए आज हमने आपके लिए काफी अच्छे म्यूचुअल फंड प्लान शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं.
सो गाइज, म्यूचुअल फंड में काफी सारी कैटेगरीज होती हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल, आज हमने काफी सेफ इक्विटी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। इक्विटी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। गाइज, हम आपको बता दें, इक्विटी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स को भी मेनली तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जैसे लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स। गाइज, लार्ज कैप फंड्स का पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। ये कंपनियां हमारे देश की टॉप 100 बड़ी कंपनियां होती हैं जिनमें लार्ज कैप फंड्स का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एक होता है मिड कैप फंड्स, जिनमें मीडियम टाइप की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ये कंपनियां 101 से लेकर 250 तक टॉप 150 जो बड़ी कंपनियां होती है हमारे देश की, उसमें मिड कैप फंड्स का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और एक होता है स्मॉल कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स का पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। टॉप 2 कंपनीज के बाद आने वाली कंपनियां स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। स्मॉल कैप फंड्स का पैसा इन्हीं स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। गाइस, हम आपको बता दें, लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क कम होता है और यहाँ पर रिटर्न प्रॉफिट भी कम होता है। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में रिटर्न प्रॉफिट के चांसेस तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट यहाँ रिस्क भी रहता है। और गाइस, मिड कैप फंड्स लार्ज कैप फंड से ज्यादा रिस्की और स्मॉल कैप फंड से कम रिस्की होते हैं। जो लोग मीडियम चलना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं और प्रॉफिट भी चाहते हैं, तो वो लोग मिड कैप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए सबसे पहले इन फंड्स पर नजर डालते हैं, ये फंड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप फंड्स के बारे में। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मिराए एसेट लार्ज कैप फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। गाइस, इस फंड का साइज है 37,676 करोड़, काफी बड़ा फंड है। गाइस, 37,676 करोड़ रुपया इसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया है, इतना बड़ा ये फंड है। गाइस, के एनालाइज रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो लास्ट 5 इयर्स में इसने 14.65% के रिटर्न्स दिए हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। और गाइस, के ऑल टाइम रिटर्न्स यानी रिटर्न्स सिंस लॉन्च, जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 16.57% के रिटर्न्स दिए हैं, 16% के रिटर्न्स दिए हैं। जहाँ आपको बैंक में 4% का रिटर्न रेट मिलता है, वहीं FD वगैरह में 8% का रिटर्न रेट मिलता है। देखिए, इस म्यूचुअल फंड में आपको 16% का रिटर्न रेट मिल रहा है। गाइस, इस फंड में आप SIP के थ्रू चाहे तो आप मंथली 500 रुपये महीने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम आप इसमें कम से कम 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गाइस, एक और लार्ज कैप फंड है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। गाइज, इस फंड का साइज है 51,556 करोड़, इतना पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। लास्ट 5 इयर्स में इसके रिटर्न है 18.34%, और रिटर्न सिंस लॉन्च यानी ऑल टाइम इसके रिटर्न है 16.47%, काफी अच्छे और बेहतर रिटर्न है गाइज इसके। गाइज, इसमें आप SIP के थ्रू 100 रुपये से मिनिमम हर महीने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कम से कम 500 रुपये से कर सकते हैं। गाइज, इसी तरह एक और फंड है निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड्स। गाइज, इस फंड का साइज है 22,766 करोड़, इतना पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। गाइज, इसके एनालाइज रिटर्न्स पर नजर डालें तो लास्ट 5 इयर्स में इसने 18% के रिटर्न्स दिए हैं, और रिटर्न्स इन लॉन्च यानी ऑल टाइम इसके रिटर्न्स है 16.86% इसने रिटर्न्स दिए हैं, 16% के रिटर्न्स दिए हैं। तो गाइज, इन सभी फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो 16% से तो ज्यादा ही हैं। इस हिसाब से अगर हमें 16% का रिटर्न रेट मिल रहा है, तो गाइस, अगर इस फंड में हमने 10 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं और हमें 16% का रिटर्न रेट मिलता, तो इन 10 सालों में हमें 44,11,435 रुपए का एक बड़ा फंड मिल सकता था, जिसमें 34,11,435 रुपए तो रिटर्न प्रॉफिट ही होता। तो गाइस, काफी अच्छा फंड है। चलिए अब अगली कैटेगरीज पे चलते हैं, मिड कैप फंड्स की तरफ। गाइज, मिड कैप कैटेगरीज का जो पहला फंड है हमारा, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। गाइज, इस फंड का जो साइज है वो है 8,481 करोड़, इतना पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। गाइज, के एनालाइज रिटर्न्स पर नजर डालें तो लास्ट 5 इयर्स में इसने 26.94% के रिटर्न दिए हैं, 26% का रिटर्न दिया है। और गाइज, ऑल टाइम इसके जो रिटर्न है वो है 23% के रिटर्न्स दिए हैं, कितने हैवी रिटर्न्स हैं। जिसमें गाइस, आप अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं SIP के थ्रू, तो 500 रुपये महीना से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कम से कम 500 रुपये से कर सकते हैं। गाइस, एक और फंड है इसी तरह HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड्स। गाइस, इस फंड का साइज है
66,186 करोड़ इतना पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। लास्ट 5 ईयर्स में इसने 23.66% के रिटर्न्स दिए हैं, और इसके ऑल टाइम रिटर्न्स यानी जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 21.48% के रिटर्न्स दिए हैं। काफी अच्छे रिटर्न्स है, हैवी रिटर्न्स है गाइज। गाइज इसी तरह एक और फंड है एक्सिस मिड कैप फंड्स, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। गाइज इस फंड का साइज है 25,264 करोड़, इतना पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। लास्ट 5 ईयर्स में इसने 21.48% के रिटर्न्स दिए हैं, और ऑल टाइम रिटर्न इसके 19.55% है, लगभग 20% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। गाइज इस फंड में आप 100 रुपीज से आईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज देखिए इन फंड्स में 26% के रिटर्न्स भी देखे गए हैं। अगर हम 26% को इग्नोर करके सिर्फ 20% के रिटर्न रेट को मानकर चलें, तो अगर इन फंड्स में किसी ने 10 साल पहले या हमने 10 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं और 20% का रिटर्न रेट हम मानकर चलें, तो 10 सालों में हमें 61,91,736 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड मिल सकता था, जिसमें 51,91,736 रुपए तो रिटर्न प्रॉफिट ही मिल रहा था। तो गाइस काफी अच्छा फंड है, काफी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। तो चलिए अब अगली कैटेगरीज की तरफ चलते हैं, स्मॉल कैप फंड्स की तरफ। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न प्रॉफिट भी ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हो सकता है एक स्मॉल कैप कंपनी आगे चलकर एक मिड कैप कंपनी या फिर लार्ज कैप कंपनी बन जाए, तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। स्मॉल कैप कैटेगरीज का हमारा पहला फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। गाइस इस फंड का साइज है 25,524 करोड़ रुपया, इतना पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। गाइस के एनालाइज रिटर्न्स पर नजर डालें तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 24.68% के हेवी रिटर्न्स दिए हैं, और ऑल टाइम रिटर्न्स इसके 25.52% के रिटर्न्स हैं, 25% का रिटर्न्स इसमें दिखा रहा है। गाइस इस फंड में आप SIP के थ्रू 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं हर महीने, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस इसी तरह एक और फंड है हमारा निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड। गाइस इस फंड का साइज है 46,044 करोड़ रुपया, इतना पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। गाइस के एनालाइज रिटर्न्स पर नजर डालें तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 29.25% के रिटर्न्स दिए हैं, लगभग 30% के 5 ईयर्स में, और इसके ऑल टाइम रिटर्न्स है 26.41%, 26% के रिटर्न्स दिए हैं गाइस ने। गाइस इस फंड में आप SIP के थ्रू 500 रुपये महीने से स्टार्ट कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसमें 26 और 25% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम इसमें 25% के रिटर्न्स रेट को मानकर चलें, तो अगर हमने इसमें 10 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं और रिटर्न रेट की दर 25% यानी 25% होती, तो आज हमें 93,13,226 रुपये का एक बड़ा फंड मिल सकता था, जिसमें 83,13,226 रुपये तो रिटर्न प्रॉफिट ही हो सकता था। तो गाइज ये एक इन्वेस्टमेंट होता है। आप सोच रहे होंगे 10 साल बहुत ज्यादा है और मैं 10 लाख रुपए क्यों लगा रहा हूँ। तो गाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट की जगह कुछ काम करते होते हैं, तो आप कोई बिजनेस करते होते हो, तो आप उसमें कितनी मेहनत करते हैं, कुछ सामान लाकर बेचते, ट्रेडिंग करते, फिर उससे मुनाफा कमाते, फिर उससे सेविंग करते। क्या गारंटी थी कि आप 10 लाख रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे और 10 साल बाद आपके पास 93 लाख रुपए का एक बड़ा फंड हो सकेगा। तो गाइज यहाँ आप काम नहीं कर रहे हैं, खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका पैसा आपको पैसा बना के दे रहा है। तो गाइज ये होती है इन्वेस्टमेंट की ताकत। गाइज मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। आप यहाँ पर जितना लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो गाइज ये थी कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अप्रिशिएट योर टाइम।